राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजीपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहरलाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 890 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार है। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।